हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब आप लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन। और बताइए कैसे हैं, क्या चल रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा है, मॉर्निंग हुई है, सुबह 7 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ, लंच वगैरह प्रिपेयर कर दिया है, थोड़ा सा रह रहा है वो कर रही हूँ। और सुबह सुबह मेरा फ्रेंड आ गया है, देखिए ये, देखिए ये पता नहीं कितनी देर से बैठा हुआ है और ना बता रहा है मुझे कुछ, ना आवाज़ दे रहा है। वो तो मैं हाथ धोने आई, साइड में खिड़की के पास ही वॉश बेसिन लगा हुआ है तो मैं हैंड वॉश करने आई तो बैठा है। हाँ जी, इसको मुझे, मतलब आप मानेंगे नहीं, मुझे इतना ज़्यादा मुझे प्यार है इस पर। मुझे इतनी टेंशन होती है कि जब मैं चली जाऊँगी तो ये क्या, हाँ मतलब हमें ढूँढेगा कैसे, इसको मैं लेके जाऊँ। तो आपको अगर कोई आइडिया हो कि मैं इसे कैसे ले जा सकती हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए, हाँ जी क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा, बोलना दोबारा। ऐ दोबारा बोल, बोलो बैठ जाता है एकदम आराम से, आएगा नहीं पर बुलाऊंगी तो हाथ में। आजा, ओए आओ। ऐ देखो नहीं आ रहा, हमसे कुछ खाने को चाहिए, देते हैं ले ले जाओ। ले गया, अभी रोटी बनी नहीं है, रोटी सेक नहीं जा रही थी मैं तो, लेकिन ये गुजिया रखी हुई थी तो गुजिया मैंने दे दी है थोड़े के, तो लेके चला गया। अभी दिन में भी आएगा, शाम को भी आएगा, एज़ यूजुअल आप डेली देखते ही हैं। तो चलते हैं, थोड़ा काम निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए, सो प्लीज़ स्टे विद अस, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके? बट ये एक सरप्राइज़ है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ आप लोगों को कि क्या इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वेट करिएगा और देखते रहिएगा हमारा चैनल, ओके? बाय गाइस। कल के ब्लॉग में हलवा वाली रेसिपी पूरी नहीं डाल पाए, इसीलिए आज के ब्लॉग में मैंने डाला है, तो इसको देखिए जरूर से। इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ जाती है, देखिए ये, देखिए ये, देखिए ये, जैसे कि भंडारे वाला हलवा नहीं तो एकदम सॉफ्ट होता है वो, देखो। और हम डायरेक्टली पानी डाल देते हैं तो ये अजीब सा रहता है, रूखा रूखा सा। ये देखिए, ये देखिए, बस हो गया ये 1 or 2 मिनट्स, बस हो गया, बस। फ्रेंड्स, सो सूजी का हलवा रेडी है, जिसे भी खाना है यू कैन कम एंड एंजॉय विद अस। ये देखिए कितना अच्छा बना है हलवा, और ये एकदम इतना स्मूथ हो गया है ना, सीरियसली ये देखिए। सो अब हम चलते हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन अब मुझे करनी है, बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन के। एक्चुअली ट्यूशन के जो रेगुलर वाले बच्चे हैं ना, आज उनका डे है। वैसे मैं मोस्टली ऑल्टरनेट डेज पढ़ाती हूँ, बट सम स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, तो उन रेगुलर स्टूडेंट्स को मैंने बोला 12 o'clock आप यहाँ आ जाना, तो मैं आपको जल्दी पढ़ा दूंगी। उसके बाद मैं निकलूंगी अपने न्यू हाउस, तो मिलती हूँ आपसे न्यू हाउस में, ओके बाय बाय। ये है प्राणायाम, तो ये देखते हैं कैसे होते हैं, और आप भी ज़रूर फॉलो करें हमारी एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत ही बेस्ट है। और उम्मा किस किस चीज़ों में फ़ायदेमंद होती है उम्मा, बताओ किस किस चीज़ में फ़ायदा होता है इस एक्सरसाइज से? बहुत चीज़ें फ़ायदेमंद होती है। ओके, वो भाई साहब ने मेरा भी खिलौना ले लिया और बैठे हैं आराम से। और ये कौन सी एक्सरसाइज है मम्मा? बस्त्रिका। तो गाइज आपको जल्दी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलने वाले हैं, तो कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड तो देखते रहना हमारा चैनल। शीतली शीत का प्राणायाम है ये, जिन वुमेन्स को थायराइड है तो वो ये वाली एक्सरसाइज जरूर करें।
तो भाई ये मेरी मतलब जो मैम है वो मम्मी को इसलिए करवा रही है क्योंकि मम्मी को भी थायराइड है, दैट्स व्हाई। तो ये भाई ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही ज्यादा टफ है वहाँ करना। ओ भाई तो डी बनाना पड़ता है। आधा चंद्रमा। अभी मम्मी कर रही है सूर्य नमस्कार, अच्छे से पूरा लियो मैंने, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है एक्सरसाइज। ये है प्रणाम नमस्कार हम करेंगे, आप भी करिए मेरे साथ। तो भाई बहुत ही मुश्किल है एक्सरसाइज पर करने पर आसान लगती है। तो ये भाई साहब इधर लेते हैं, ये पूरा दिन लगा थी। तेरे को प्रणाम आसन। तो गाइस ये टॉय लाया था तो आपको बजा के दिखाता हूँ। ये क्लैप क्लैप कैंडी है। हेलो गाइस और करना है ना तो आप रोक देते हैं थोड़ा। सो फ्रेंड अब हम नाश्ता प्रिपेयर कर रहे हैं। नाश्ते में गोभी के पराठे बना रही हूँ जो कि हमें बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा उसमें कम जो है देसी घी अप्लाई करूँगी मैं, बट वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गोभी के पराठे बन रहे हैं। ये एक जो है ये मैं बेल रही हूँ, ठीक है फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी चाय जो है वो पक रही है, बस दूध डालना है इसमें। तो गाइस योगा हो चुकी है कम्प्लीटेड एंड After the yoga, I am feeling so good but little bit tired. So right now, after finishing the yoga, I feel like to take a sleep but I can't because I have to do a lot of work as well as I have to also make the breakfast for me and my children. तो अभी तो मैं कर नहीं सकती कुछ भी, but आपके लिए जो मैं इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाने वाली हूँ उसकी प्रिपरेशन भी मुझे करनी है। सो दिस इज सरप्राइज फॉर यू, प्लीज कीप वेटिंग एंड कीप वॉचिंग आर व्लॉग्स ठीक है। सो आप व्यूज दिमाग में रहते हैं ना कि व्यूज कितने आ रहे हैं, तो वही मुंह से निकल गया है। तो प्लीज मुझे बहुत अच्छा अच्छा सपोर्ट दीजिए आप, मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेके आने वाली हूँ। सो प्लीज स्टे विद अस। फ्रेंड्स गोभी के पराठे रेडी हैं, जिसे खाने हैं यू कैन कम हियर। गाइस अभी आ गए हैं ट्यूशन के बच्चे क्योंकि बज गए हैं 4:30, मतलब 4:30 से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारी मास्क क्यों लगाती है? तो भाई ये बहुत ज़्यादा शर्माती है। तो क्या पढ़ रही है नहीं अभी? प्लीज डोंट हेजिटेट। माय नेम इज सुनेशा। कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ। आई रीड फ्यूचर। आई पहले बताओ क्या है क्वेश्चन, मैंने क्या बोला? हिंदी क्या है? व्हाट विल यू बिकम इन फ्यूचर? आप अपने फ्यूचर में क्या क्या बनना चाहते हो? हाँ बनोगे, वेरी गुड। हाँ तो आंसर दो, क्या बनोगे आप?
बोलो फिर आए आए एम बनूंगी कौन सा साउंड आ रहा है बेटा आई विल हाँ बिकम आई विल बिकम टीचर टीचर ओके okay. तो अभी सो योर मॉम इज आल्सो टीचर दैट्स व्हाई यू वांट टू बिकम अ टीचर तो भाई मैं भी हनी की मम्मी के पास ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ मौसी तो और हनी भी मेरी मम्मी को मौसी बोलती है तो दिखा मेरे को इधर दिखा सो गाइस ये मौसी मुझे इसलिए बोलती है क्योंकि एक्चुअली हम लोग नेबर हैं मेरे घर के बगल में ही एक घर छोड़ के इनका घर है तो जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी ना जब इसने फर्स्ट टाइम बोलना स्टार्ट किया था तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली इसने फर्स्ट टाइम मुझे देख के बोला मौसी अपने आप ही तो तब से ये मुझे छोटे बचपन से मौसी बोलती है इसे किसी ने नहीं सिखाया था कि मौसी बोलो तो मेरे बच्ची को मौसी बोलते हैं और ये भी मौसी ही बोलती है देखो सो ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते बनाने के लिए कोई हमें कोई खून का रिश्ता ही होना चाहिए है कि नहीं रिश्ते अपने आप बन जाते हैं रिश्ते शर्म आ रही है और ये हमारी मानवी मैडम है मानवी से हेलो हाउ आर यू आई एम फाइन ओके सो प्लीज टेल मी व्हाट इज योर हॉबी माय हॉबी जल्दी जल्दी बोलो माय हॉबी इज हाँ जोर से बोलो बिकम डॉक्टर रियली यस मैम पापा हाँ हाँ बोलो बोलो मैम इसको कैसे बोलें माय फादर से सो आपको क्या करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए व्हाट विल यू हैव टू डू फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर क्या करना पड़ेगा इंग्लिश में बोलो मैं स्टडी करूंगी विल का यूज करके बोलो विल आई विल स्टडी एंड डू वर्क हार्ड सो डू यू लाइक इंग्लिश यस व्हाई इंग्लिश क्यों पसंद है आपको गुड लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश इज गुड लैंग्वेज लैंग्वेज गुड वेरी गुड अब मैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन बोलूंगी आप जल्दी जल्दी बोलोगे yes, मैं हिंदी बोलूंगी आप उसका ट्रांसलेट करना ओके मैम इंग्लिश यस यू हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश ओके ओके मैम हाँ मैं एक लड़की हूँ आई एम गर्ल जोर से बोलो I am a girl. मैं बिजी थी. I was. सामने देख के बोलो कैमरे I was busy. मेरे पास दो बुक्स हैं. I have two books. Very good. मैं खाना खाना चाहती हूँ. I feel like to eat. चाहती हूँ. I want to. हाँ. Eat the food. Very good. मुझे घूमना पसंद है. I like to जोर से बोलो I like to visit मुझे रोना पसंद नहीं है I don't तेज बोलो ठीक बोल रहे हो I don't like to cry Very good Okay who is your best friend My best friend my sister is my sister Very good So my all students are so nice माई ऑल स्टूडेंट्स आर सो नाइस एक ये पीछे बैठा है भाई साहब देखो अरे क्या कर रहा है मैं अपने बच्चों से ऐसी बात करती हूँ ये मेरे स्टूडेंट भले ही हैं लेकिन मैं इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ एकदम सच बता रही हूँ मैं तो मेरे बच्चे जैसे ही हैं ये सो व्हाट्स गोइंग ऑन व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ आई डूइंग मिक्सअप सो डू यू लाइक टू डू मिक्सअप सेंटेंसेस ओके सो होली इज अबाउट टू कम सो आर यू एक्साइटेड फॉर दी होली वट विल यू डू ऑन होली आई डू आई विल थ्रो बलून्स फ्रॉम होली नहीं किस क्या किसके ऊपर मारोगे बलून्स ऑन का यूज करो फिर गुड सो फ्रेंड्स एज यूजुअल मेरा फ्रेंड आ चुका है सो यू कैन मीट हिम हाँ जी भाई साहब क्या हाल चाल आपके अच्छा उसके लिए लेके आती हूँ कुछ आज मैं अपने फ्रेंड को चॉकलेट खिलाने वाली हूँ देखो चॉकलेट केक है ये ले ये देखो डर रहा है इस ब्लैक ब्लैक से ले खा ले
खट खट खट, नहीं गा रहा, डर रहा है कि क्या लाई है, ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इसके नखरे, आप खुद देख लो। ये है चॉकलेट केक जो कि ये नहीं खा रहा है, देखो, ले बाबू ले, देखो 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 तो भाग रहा है। रुक जा, अभी कुछ और ला रही हूँ। ये देखिए मैं बिस्किट लेके आई हूँ, बिस्किट ले लेगा, ये देखो देखो चॉकलेट केक से डर रहा था। चला गया, जा रहे, हो गया हो गया। और फ्रेंड्स मैंने आज शाम के लिए बनाया है बढ़िया फर्स्ट क्लास से करेले, बिकॉज करेले बहुत टाइम से हम लोगों ने नहीं खाए थे, तो सोचा कि करेले बना देते हैं और शाम को उसके साथ चपाती और रायता बना लेंगे, दैट्स इट, डिनर फाइनल। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेके आने वाली हूँ, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, ओके, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, एंड इफ़ यू विल सपोर्ट मी सो डेफिनेटली आई विल फुलफिल माई ड्रीम्स, ओके। सो बन चुके हैं बढ़िया से ज़बरदस्त से करेले, एक्चुअली ये मैंने बना के रख दिए हैं और ये इतने अच्छे बने हैं ना, ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो उसमें ज़्यादा प्याज डालते हैं ना, इसका ना फ्लेवर इतना अच्छा आता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू ईट इट, सो प्लीज़ कम एंड एन्जॉय विद मी, ओके। सो रितिक, होली इज़ अबाउट टू कम, सो व्हाट्स योर प्लान ऑफ होली? माय प्लान इज़ दैट आई, कुड यू स्पीक लाउड? From नहीं लगाओगे? On them. Okay. So, who will give you money on Holi for buying balloons, colors? I buy. Listen to me carefully, after then you have to give the answer. I am asking that who will give you money for buying balloons and colors on Holi? Who kya hota hai? Who? Haan, kaun? Will give? Dena. Haan, to iska matlab kya ho gaya? Who will give you ka matlab kya ho gaya? Haan. Money. Haan, kya ho gaya iska matlab? आपको आपको कितने पैसे मिलेंगे? कौन कौन देगा? यस, माय फादर गिव मी। हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखा जाते हो? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो पता कैसे चलेगा कि आप कौन से टेंस में बात कर रहे हो बेटा? माय फादर विल, आई माय फादर विल गिव मी मनी फ्रॉम बलून्स, फॉर बलून्स। ओके, सो व्हाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? बिकॉज ऑफिसर, ऑफिसर, वी कैन, वी विल गेट अ गुड जॉब, ऐसे बोलो, वी विल गेट अ गुड जॉब। ओके, विच इज योर फेवरेट फूड? माय फेवरेट फूड इज पनीर। पनीर, और कुछ नहीं पसंद फूड में, बस पनीर ही पसंद है? पनीर विद, उसके साथ कुछ नहीं? ओके ओके, दाल मखनी। विच इज योर फेवरेट जंक फूड? जंक फूड कौन सा पसंद है आपको? आई लाइक चिली पोटैटो एंड सो हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट दिस इन अ मंथ? दोबारा बोलो। आई ईट वन टाइम इन अ मंथ। गुड, ठीक है बेटा, आवाज कम कर। तो फ्रेंड्स ये भाई साहब आ चुके हैं और ये देखिए अब ये खाएंगे पपाया, वो ले गया। इसको भी डिफरेंट काइंड ऑफ जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए होते हैं, कभी इसको रोटी चाहिए होती है, कभी इसको बिस्किट्स चाहिए होते हैं, कभी इसको कुछ चाहिए होता है। और ट्यूशन वगैरह फिनिश हो गई है, आज मैंने आराम भी नहीं किया, आप देख सकते हैं कितना थकान सी हो रही है, नो प्रॉब्लम। और मैंने आपको बताया था बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है आगे का, तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशंस करनी है बिकॉज वी आर गोइंग समवेयर, सो मैं थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस आ गए हैं, तो भाई आ गए हैं वापस, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लिया है मम्मी ने, और तो इधर कहीं जाने की प्रिपरेशन हो रही है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्रेस कपड़े कर दिए मम्मी ने, कितने सारे कपड़े प्रेस कर दिए। हमारे साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती है,
हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि एट अ टाइम प्लान बनता है, और एट अ टाइम जब प्लान बनता है तो इतनी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, घर का काम, बच्चे, ऊपर से ये सारी प्रिपरेशन मेरे ही सर आती है, वो तो अपना रात को आते हैं हस्बैंड, तो मुझे ही करना है सब कुछ। तो भाई इसने ऐसी गुस्सा दिलाई कि मम्मी का कड़ा टूट गया, तो भाई मैं इसको इससे मारी इतनी डम डम लात दे लात दे लात, तो इनका चूड़ी टूट गई यार, देख सकते हैं आप कढ़ाई यार इतने गंदे बच्चे हैं मेरे, में क्या कर। तो भाई हंसी आई आप लोगों की आ रही, तो भाई हंसी आई जाती है थोड़ी बहुत। तो इधर ये भाई साहब हटियो तो भाई ये देख सकते हैं कैसे पिट रहा है। तो भाई ऐसे पिट रहा है। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी मम्मी कुछ चीज़ें खरीद के लाई हैं, तो ये हैं पापड़, तो मैं पापड़ है ना, और ये हैं चिप्स, तो ये पापा लाए हैं, सॉरी मम्मी मैंने। तो अब एंड करते हैं ब्लॉग, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों और परिवार वालों में शेयर करना, और कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड सपोर्ट अस एंड बाय।